नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, व्हीलचेयर पर बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया पर दुनिया उसकी बुद्धिमत्ता और योग्यता के आगे नतमस्तक होती रही, ऐसे विश्व प्रसिद्ध कॉस्मोलॉजिस्ट ने अपने शरीर का त्याग कर दिया 14 मार्च 2018 को। थ्योरी ऑफ बिग बैंग और ब्लैक होल को एक नई परिभाषा से गढ़ देने में कामयाब रहे ऐसे साइंटिस्ट को हम जानते हैं स्टीफन हॉकिंग्स के नाम से। दुनिया की विश्व प्रसिद्ध किताबों में से एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा लिखित किताब है। इस किताब में ऐसा क्या रहा कि ये विश्व में इतनी चर्चा का विषय रही? थ्योरी ऑफ बिग बैंग और ब्लैक होल की नई परिभाषा क्या है? किस तरह से स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी जमदूत को चुनौती देती रही और इनकी जिंदगी में ऐसा क्या रहा कि ये हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए? कुछ ऐसे ही विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर संध्या सांखेदर जी को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिजिक्स, जीजीएम साइंस कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी। आपके साथ ही हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं श्री विक्रम साही जी, जो कि साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो आप दोनों का सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और जिस तरह से कि हम इतने महान कॉस्मोलॉजिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, फिजिक्स के विशेषज्ञ माने जाते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो मैम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक टर्म है कॉस्मोलॉजी, और हमारे बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो इस इवन टर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कॉस्मोलॉजी है क्या। वो जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो है एक वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि कॉस्मोलॉजिस्ट हैं तो वो सोचते हैं कि भाई है क्या और एक कॉस्मोलॉजिस्ट का रोल क्या रहता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान, और एक कॉस्मोलॉजिस्ट जो होता है वो एक ब्रह्मांड विज्ञानी है। आप भी एक कॉस्मोलॉजिस्ट हो सकती हैं, कुछ उसके लिए कुछ खास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बाहर निकलिए, तारों भरे आसमान को एक बार देखिए और सिर्फ सोचने की कोशिश कीजिए कि वहाँ से आती हुई रोशनी आपसे क्या कह रही है। ये पहला पड़ाव है एक कॉस्मोलॉजिस्ट होने का। आपको हैरानी होगी जानकर कि बहुत से पाथ ब्रेकिंग रिसर्च एमेच्योर कॉस्मोलॉजिस्ट ने की हैं, जो बस यूं ही अपनी छोटी छोटी दूरबीन लेकर आसमान को देखते हैं और वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। गैलीलियो एक ब्रह्मांड विज्ञानी थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीफन हॉकिंग का जन्म गैलीलियो की मृत्यु के पूरे 300 वर्ष बाद हुआ था। ये एक संयोग है, मैं कह नहीं सकती, लेकिन दोनों ही अद्वितीय ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे। मैम, जब हम इनको कॉस्मोलॉजिस्ट जानते हैं अच्छे से, तो हम क्यों इनको किंग ऑफ कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं? किंग ऑफ कॉस्मोलॉजिस्ट क्योंकि एक ऐसे शरीर में कैद होने के बावजूद भी, जिसमें सिर्फ एक गाल की मसल की मदद से वो लिखते, पढ़ते, बोलते थे, फिर भी पूरा ब्रह्मांड उनका घर था। जी 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 जी, इसीलिए उनको किंग ऑफ कॉस्मोलॉजिस्ट कहना बहुत उपयुक्त है। विक्रम साहिब जी, जहाँ तक हम इन स्टीफन हॉकिंग साहब की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है कैसी रही है, लेकिन आम जनता जो है वो भी जानना चाहती है कि ऐसा क्या रहा उनकी ज़िंदगी में कि हम सब उनसे इंस्पायर होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, अगर वो कुछ कर सकते हैं और पूरे दुनिया में अपना एक नाम कमा सकते हैं, एक उनका रुतबा है, तो हम लोग क्यों नहीं कुछ वैसा कर सकते? तो ऐसा क्या रहा उनकी ज़िंदगी में जो जिससे कि हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था जहाँ तक हम सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते थे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते थे। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने एक किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मैं अभी और काम करना चाहता हूँ, जबकि वो हिल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका माइंड एक्टिव था, उनका माइंड बहुत शक्तिशाली था और अपने माइंड से ही उन्होंने इस तरह की जो कई पाथ ब्रेकिंग थ्योरीज उन्होंने दी, कुछ पाथ बुक्स उन्होंने लिखी। नॉट ओनली ये काम करते रहे, बट मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि किसी कार्टून के अंदर भी वो एक ऐसे कार्टून क्रिएचर की तरह भी आते रहे, तो ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। और अगर इसको एक मैं कवि की भाषा में अगर उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ये जीवन आक्रांताओं का कालचक्र
जीवन विष से भी भयंकर, ये विष पीना होगा, कांटों की शैया पर सोना होगा, मृत्यु को जान पवित्र इसे गोद में लेना होगा, हर हाल में तुझे जीना होगा। जब उनको 21 साल की आयु में कह दिया गया कि अब आपकी जिंदगी थोड़ी ही है, लेकिन वो लड़ते रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका शरीर साथ छोड़ता रहा, लेकिन फिर भी वो अपने माइंड से काम करते रहे। इससे ये हमें पता चलता है कि माइंड कितना पावरफुल है, और अगर हम माइंड से सोचें तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हीं के शब्दों में अगर कहूँ तो उनका कहना था मृत्यु अटल है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और ये उन्होंने करके भी दिखाया। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैम, जब हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इस एरिया में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा? 1970 में रॉजर पेनरोज के साथ उनका रिसर्च पेपर आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि स्पेस और टाइम का एक निश्चित शुरुआत और अंत होता है। तो और ये शुरुआत होती है इसकी बिग बैंग से, और इनका अंत होता है ब्लैक होल में। तो और इसी पर अधिकतम काम उनका रहा। अच्छा, तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन रही इस यहाँ पर। हाँ। तो जिस तरह से सर ने कहा था कि बड़ी एक्सपेंडिंग थ्योरीज जो हैं उनके बारे में, तो थ्योरी ऑफ बिग बैंग की आपने अभी बात की है, तो मैम बेसिकली ये थ्योरी जो है क्या? थ्योरी ऑफ बिग बैंग, बिग बड़ा, बैंग धमाका, ठीक। हम सब जानते हैं कि और अच्छा, हम अपने ब्रह्मांड को जैसा कि जानते हैं, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, रोज सुबह में सूर्य दिखता है, रात को चांद और बहुत से तारे दिखते हैं, और इस निसीम संसार को हम ब्रह्मांड का नाम देते हैं। और उतनी दूर से हम तक जो भी ज्ञान आता है वो रोशनी के जरिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पूरे एक बैंड के जरिए आता है। अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, इंफ्रारेड वगैरह वगैरह, यही हमारी जानकारी का स्रोत है ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि वहाँ तक जा सकना तो संभव नहीं है। तो हम तक ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानकारी आती है वो इन किरणों के माध्यम से आती है। 5 नंबर 1, जब इन किरणों को स्टडी करते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी किरणें रेड शिफ्ट है। इन सब में रेड शिफ्ट मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से इन किरणों को छोड़ा गया हम तक आते आते वो फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। ओके, तो ये एक जानकारी है, ठीक। अब इसको ऐसे समझिए, स्टेशन पर आप खड़े हैं, एक ट्रेन आ रही है, जब वो आपकी तरफ आ रही है तो आपको सीटी की आवाज़ ऊंची होती दिखाई देती है, वो सुनाई देती है, और जब वो ट्रेन चली जाती है तो वो सीटी की आवाज़ आपको कम होती सुनाई देती है। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ कंचे हैं, मैं आपकी तरफ फेंक रही हूँ, ठीक, मैं एक सेकंड में एक फेंक रही हूँ, आप एक सेकंड में एक रिसीव करेंगी, बिल्कुल राइट। तो जिस फ्रीक्वेंसी से मैं कंचे फेंक रही हूँ उसी फ्रीक्वेंसी से आप रिसीव कर रही हैं। अब मान लीजिए मैंने पीछे जाना शुरू कर दिया, तो मैं तो एक सेकंड में एक ही फेंक रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमारे बीच की दूरी बढ़ती जाएगी आप एक सेकंड में एक रिसीव नहीं करेंगे, राइट। आपको एक सेकंड में शायद एक भी ना मिले, आपको 2 सेकंड में एक मिले, यही रेड शिफ्ट है। ये वो जानकारी है जो हमें ये बताती है कि हमारा ब्रह्मांड हमसे फैल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा और बिल्कुल सिंपल करके बताती हूँ। जी जी, एक खेल के मैदान के पास से आप गुजरे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे क्या खेल रहे हैं कि जैसे जैसे वो बच्चे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और जैसे जैसे वो आगे जा रहे हैं वो अपनी गति बढ़ाते जा रहे हैं। आपके पास समय नहीं था, आप वहाँ से गुजरे और निकल गए, पर आप सोचते रहे खेल मज़ेदार था। आपने सोचा अच्छा, वो बच्चे जब अब एक दूसरे से दूर जा रहे थे तो कोई समय होगा जब वो बच्चे सब किसी एक जगह पर रहे होंगे। आप बैक कैलकुलेट कर रहे हैं उनके खेल को, ठीक। आप बैक कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं अच्छा, जिस वक्त मैंने देखा उस वक्त वो बच्चे सब यहाँ 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 थे, और अगर हम मैं समय में पीछे जाऊँ उनकी गति को बैक कैलकुलेट कर दूँ तो वो इतने समय पहले उस बीच वाली मेज़ पर ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं बराबर लाती हूँ आपके ब्रह्मांड की थ्योरी से। हम सब इस
अर्थ पर वही यात्री हैं। हमारी एवरेज एज 70-80 साल, ठीक है, उसमें से भी 20 साल निकाल दीजिए पढ़ने के, तो 50 साल, ठीक है, 50 साल वो एक्टिव समय है जिसमें में आप अपने आसपास देख सकते हैं, जान सकते हैं, नतीजे निकाल सकते हैं। हम जब अपने ब्रह्मांड को देखते हैं तो वो बच्चे, वो निहारिकाएं हैं जो सब हमसे दूर भाग रही हैं। करोड़ों वर्ष के ब्रह्मांड की आयु के मुकाबले हमारी 50-60 साल की उम्र उस ट्रेवलर से भी कम है जो कि उस खेल के मैदान से गुजर के चला गया, ठीक है। तो लेकिन हम उसी ट्रेवलर की तरह हम इन सब निहारिकाओं को, आकाश गंगाओं को देखते हैं और ये सब हमसे दूर भाग रही हैं। जितना दूर भाग रही हैं उतना ही तेज चलती जा रही हैं। हमने भी एक बैक कैलकुलेशन की और कहा कि ओके, ये इतने करोड़ साल पहले ज़रूर किसी एक बिंदु पर रही हैं जबकि कोई धमाका हुआ और ये सब बिखर गए, अपनी उस जगह से भाग पड़ी हैं, भाग पड़ी हैं और ये चलती जा रही हैं। ये अंतहीन यात्रा है, इसका अंत कहाँ होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हम सोच सकते हैं। स्टीफन हॉकिन का मुख्य काम इसी अवधारणा पर था। अच्छा, मैम आपने बहुत ही सरल तरीके से जो है थ्योरी ऑफ बिग बैंग जो है हमारे समक्ष, हमारे दर्शकों के समक्ष रखी है। विक्रम सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जब स्टीफन साहब जो हैं उनकी बीमारी जो है बढ़ती गई और धीरे धीरे जो है उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने बिल्कुल बोलना भी बंद कर दिया, तो सर वो किस तरह से जो भी उनके दिमाग में था वो कन्वे करते थे दूसरों को, किस तरह से बताते थे? क्योंकि हम देखते हैं कि व्हीलचेयर पे बैठे हैं और एक कंप्यूटर स्क्रीन जो है उनके सामने है और यही पिक्चर जो है हर जगह हमें देखने को मिलती है, तो हम सबके दिमाग में रहता है कि भाई कन्वे कैसे करते थे। इसमें मैं एक मैम की बात के साथ जोड़ते हुए आपको कहना चाहूँगा जी सर कि उनका जो PhD थीसिस का वर्क था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, और जब उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, और आज भी वो थीसिस जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ऑनलाइन है, क्लासिफाइड है, और आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। जब वो इस काम में लगे हुए थे, ये कार्य कर रहे थे, तब उनको एक मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया और डॉक्टर्स ने उनको यही कहा कि शायद आपकी जिंदगी 2 साल से ज्यादा ना हो। नहीं, थोड़े से वो डिप्रेशन में भी आ गए थे बिकॉज एक साधारण इंसान थे, हर कोई इंसान अगर ऐसी बात का पता चले तो डिप्रेशन में आ सकता है, लेकिन उनके जो गाइड थे उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि आप काम करिए, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी बॉडी ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कम कर दिया, और लेकिन वो अपना काम करते रहे, काम को उन्होंने नहीं रोका, चाहे उनको चलने में दिक्कत होती रही, चाहे उनको उनकी मूवमेंट में दिक्कत रही, चाहे उनको बोलने में दिक्कत रही, और एक समय ऐसा भी आ गया कि जब वो व्हीलचेयर पे कन्फाइंड हो गए, बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ उनकी एक चीक मसल जो है उसका एक टिश्यू काम करता था, बाकी कोई भी उनका अंग काम नहीं कर रहा था। तो एक इस तरह का साइंटिस्ट्स ने सोचा कि ये तो एक ऐसा ब्रेन है जो युगों युगों में कभी ही आता है, तो हम इनको फैसिलिटेट करने के लिए कैसे हम सपोर्ट करते हैं, कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कंप्यूटर की मदद से, और उस कंप्यूटर में क्या था कि एक उनके सामने स्क्रीन होती थी, उस स्क्रीन में सारे अल्फाबेट्स A to Z अंकित होते थे, और एक कर्सर होता था जो हर अल्फाबेट पर मूव करता रहता था। अब उनके यहाँ पर एक माइक लगा होता था, उससे वो माइक से एक सिग्नल भेजते थे, जैसे अपनी चीक को मूव करते थे, जैसे उन्होंने हेलो लिखना है HELLO, जब एल पे एच पे अल्फाबेट आता था तो वो चीक को मूव करते थे तो एक अल्फाबेट अंकित हो जाता था। इसी तरह से करते करते वर्ड बनता था और वर्ड से एक सेंटेंस बनता था, और जब वो पूरा एक सेंटेंस बन जाता था तो सॉफ्टवेयर उस सेंटेंस को ऑडियो में कन्वर्ट कर देता था। आप ये जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक ब्रिटिशर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पूरी पढ़ाई हुई, लेकिन जो उनका अगर आप उनकी कभी स्पीचेस सुने तो वो अमेरिकन एक्सेंट में होती थी। डिफरेंस है अमेरिकन एक्सेंट में और ब्रिटिश एक्सेंट में। वो इसलिए अमेरिकन एक्सेंट में होती थी क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर था वो अमेरिकन्स ने डेवलप किया हुआ था उनके लिए, और वो उस सॉफ्टवेयर की मदद से एंड
काफ़ी इफेक्टिवली पूरी अपनी लाइफ में वो बुक्स लिखते रहे, काम करते रहे। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक एक वर्ड को जोड़ के उन्होंने सेंटेंसेस को फ्रेम किया और इतनी थ्योरीज दी। तो वो उस सॉफ्टवेयर की मदद से, उस कंप्यूटर की मदद से, उस प्रणाली की मदद से काम करते रहे। और मुझे लगता है कि ये एक आसान बात नहीं है, ये अपने में बहुत डिफिकल्ट एक काम है, बिल्कुल इन इस तरह से शब्दों को जोड़ के लिखना। लेकिन वो करते रहे और आज उनकी थ्योरी जो है वो पब्लिश्ड है। उनकी एक बात थी कि मुझे ये लगता है कि वो 1,000 साल तक जीवित रहेंगे। वो उन्हीं की बात है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारा यूनिवर्स अभी अगले 1,000 साल तक ही है। तो अच्छा मुझे लगता है कि फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो समय के परे हट के देखने की कोशिश की, समय को पहचाना, उन्होंने आकाश गंगाओं को पहचाना। और अगर हम उनकी एक थ्योरी की बात करते हैं जिसमें आप ब्लैक होल की बात करते जी हैं, जी जी तो बिल्कुल ब्लैक होल मैं ये समझता हूँ कि हमसे 1,600 गैलेक्सीज या जो इसका मेजरमेंट का यूनिट होता है उतना दूर है। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन फिर भी उनकी सोच वहाँ तक पहुँची और उन्होंने ये सारी थ्योरीज दी। एक बात और मैं इसमें कहना चाहूँगा, जैसे हम अपने पुराने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जो समय है पृथ्वी पर ज़्यादा जल्दी बीतता है, बिल्कुल लेकिन लेकिन ऋषि मुनि ये कहते थे कि जैसे अगर कोई स्वर्ग लोक में है या किसी और लोक में है, तो वहां पर अगर एक दिन होता है तो यहाँ ऐसे कि 10 साल बीत चुके हैं। ये थ्योरी भी उनकी जो बुक्स हैं या उनके उनकी जो थ्योरी थी उससे मैच करती है कि अगर ब्लैक होल के पास टाइम बिल्कुल स्लो हो चुका हुआ है, लेकिन धरती पर अगर आप ब्लैक होल के पास रहते हैं और वहां पर सिर्फ 10 साल होते हैं और आप धरती पर आए, इसी को हम टाइम ट्रेवल कहते हैं कि अगर आप धरती पर आए तो आपको धरती पे पता चलेगा कि यहाँ तो 20-30 साल निकल चुके निकल होंगे आप। चुके तो हैं इसी को हम टाइम ट्रेवल कहते हैं कि आप टाइम में पीछे चले गए या टाइम पे आगे आ गए। आगे आगे। मैम, जिस तरह से आपने थ्योरी ऑफ बिग बैंग जो है बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में हमारे समक्ष रखी है, तो मैम स्टीफन हॉकिंग जो थे उन्होंने क्या इसकी, जिस तरह से हम सुनते हैं कि उन्होंने एक नई परिभाषा दी, इसको एक अच्छे तरीके से और डिफाइन कर दिया, वो नया रूप क्या दिया इन्होंने? स्टीफन हॉकिंग का जो मुख्य काम था वो क्वांटम ग्रेविटी पर था। ये थोड़ा भारी शब्द हो गया, जी मैं जी फिर आसान पर आ जाऊंगी। जी मैम ये जो उनकी जो किताब थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, आपने पहले नाम लिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जी जी यूनिवर्स, ये उनकी किताब का नाम था। ये किताब दो चीज़ों को जोड़ती है, पहला जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा क्वांटम थ्योरी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की थ्योरी, और वो बहुत खुश थे कि उनकी पूरी किताब में सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उनकी पूरी किताब में सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और वो है इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। और जो एक तरफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कि बिगर देन द बिगेस्ट की बात करती है, जी आप उपनिषद से अगर क्यों लें तो अणु रणियान महतो महीयान ही, दैट इज बिगर देन द बिगेस्ट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो हमें कहीं प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जब हम बहुत बड़े की बात करते हैं तो हमें उत्तर ढूंढने के लिए कहीं छोटे से छोटे की तरफ जानना पड़ता है। तो उनकी ये जो किताब है ये दो चीज़ों को इकट्ठे मिलाती है, एक तरफ ग्रेविटी और दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो कि आपके अणु से भी छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करती है। जी जी बिल्कुल अब जब अभी पिछले अभी जब हम बिग बैंग की बात कर रहे थे, तो बिग बैंग से हमें ये पता चला कि हमारा ये ब्रह्मांड कब बना, और अब हम बिल्कुल सही सही एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड कितने वर्ष पहले बना। अब उसके प्रूफ भी होने चाहिए हमारे पास, बिल्कुल और उसका प्रूफ सबसे बड़ा ये है कि प्रोटॉन, जो आपके सभी सारे मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटॉन आज तक डिके नहीं किया है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि एक प्रोटॉन जो बिग बैंग के समय बना था वो आज भी वैसा ही है। तो प्रोटॉन की उम्र जब आप निकालते हैं, लाइफ ऑफ प्रोटॉन, वो बिल्कुल वही निकलती है जो आपके बिग बैंग की एज है। सो जब एक सबटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट आपको ये बताता है कि प्रोटॉन की उम्र इतनी है, और जब एक कॉस्मोलॉजिस्ट आपको ये बताता है कि बिग बैंग हुए इतने दिन बीत गए, तो क्या इन दोनों में कोई
समानता है? है और जवाब है हाँ। हाँ स्टीफन हॉकिन का यही काम है, वो एक तरफ ब्रह्मांड विज्ञानी थे, दूसरी तरफ सब एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स के दोनों रिजल्ट्स को उन्होंने पैरेलल समानांतर लाकर देखा और देखा कि कहीं हमें उनको एक जगह पर लाकर सोचने की और समझने की आवश्यकता है, और ये वो चीज़ है जिससे हमें अपने बहुत से अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बिल्कुल सही कहा। सर जिस तरह से मैडम अभी बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की, तो सर हम थोड़ी सी ज़िंदगी की बात करते हैं। आपने जिक्र किया कि 21 साल की उम्र में जब उन्हें डॉक्टर ने कहा कि आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जो है हो चुका है और आप मैक्सिमम 2 साल या 2 से ज़्यादा थोड़ा सा ही आप जी पाएंगे, तो उन्होंने एकदम से आस उम्मीद छोड़ दी थी और डिप्रेशन जो है वो भी कहीं उनको घर कर गया था। तो सर आप ये बताइए कि 76 ईयर्स में अब उनकी डेथ हुई है, तो ऐसी क्या फीलिंग्स होंगी, ऐसी क्या इमोशंस होंगी जो उनके अंदर पैदा हुई होंगी एज ए ह्यूमन बींग, कि उन्होंने सोचा कि अब नहीं है और वो इतना समय जो है निकाल गए, और ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जिन्होंने उनको हेल्प की कि भाई वो 76 ईयर्स तक पहुंच गए? मैं ये समझता हूँ कि उनका जो माइंड था एक नॉर्मल इंसान का माइंड नहीं था, क्योंकि एक अगर नॉर्मल अगर वो इंसान होते तो शायद वो कब के दुनिया छोड़ चुके होते। उनका माइंड बहुत स्ट्रांग था, फिज़िकली वो इतने केपेबल नहीं थे लेकिन माइंड से वो बहुत केपेबल थे, माइंड से वो बहुत स्ट्रांग थे और माइंड पे विश्वास रखते थे। और माइंड पर विश्वास रखकर अगर हम अपने माइंड पे विश्वास रखें, यानी कि अगर हम खुद पे विश्वास रखें, तो मुझे लगता है कि हम कोई भी कार्य जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जीवन चक्कर था उनका, जीवन चक्कर से आस रखते रहे इसीलिए प्रयास करते रहे। ही वॉज वेरी पॉजिटिव और उनकी ये पॉजिटिविटी उनको इतनी दूर तक लेकर आई। कभी वो निराश नहीं हुए, हर एक्टिविटी वो करते रहे, चाहे यूनिवर्सिटीज में जाना है, चाहे स्टूडेंट्स को गाइड करना है। आप समझ सकते हैं कि वो बात नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, लेकिन किस तरह से वो स्टूडेंट्स को गाइड करते रहे यूनिवर्सिटी में, नॉट ओनली ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में बट हर एक यूनिवर्सिटी में आई थिंक उन्होंने ट्रेवल किया और वहाँ जाके लोगों से इंटरेक्ट किया। इंडिया में भी वो आए और इंडिया में भी आकर उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया। ही लाइक टू ट्रेवल, ही लाइक टू टॉक टू पीपल, ही लाइक टू मीट पीपल, और यही एक चीज़ है जो उन्हें इतने वर्ष तक जिसने ज़िंदा रखा। डिजीज़ खतरनाक थी, डिजीज़ उन पे हावी हो रही थी, लेकिन उन्होंने डिजीज़ को अपने माइंड पे हावी नहीं होने दिया। आज की डेट में अगर हमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो हम अपने माइंड से हार जाते हैं। हम कहते हैं कि आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं घर पर रहूँगा, बिल्कुल सही, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं बाहर जा सकता हूँ, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाता है या सर्जरी होती है, आज की डेट में डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप 2 दिन के बाद चलना फिरना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको पॉजिटिव रहना है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लेसन उनकी थ्योरीज तो रहेंगी ही। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक नॉर्मल मनुष्य जो है इतना ट्रैवल नहीं कर सकता है, हम जनरली बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन अगर आप उसी तरह से देखें कि बच्चे सारा दिन भागते रहते हैं वो थकते नहीं हैं। क्यों थकते नहीं हैं? क्योंकि उनका माइंड फ्री होता है। उसी तरह से अगर आप कितना भी कार्य कर रहे हैं, फिजिकल कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका माइंड नहीं थक रहा है तो आप कोई भी बुलंदी को जीवन में अपने छू सकते हैं। मैम ने प्रोटॉन की बात की और उन्होंने कहा कि फिजिक्स में एक जैसे कंसेप्ट होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और यही बात हमारे ग्रंथों में भी लिखी रही कि जो सृष्टि में विद्यमान है वह अनश्वर नहीं नाशमान है, प्रतिशन रूप बदलता जाता है, बन मानव देह को पाता है, आत्मा देह के अधीन कहा, नित्य नवीन स्वतंत्र यहाँ। तो मुझे ये लगता है कि इन सब बातों से, चाहे उन्होंने वर्ड टू वर्ड ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो उनकी थ्योरीज हैं मैं समझ पाता हूँ कि वो भी किसी ना किसी तरह से हमारे ग्रंथों से भी जुड़ती हैं और हमारे ग्रंथों को भी इससे मान्यता मिलती है कि वाकई ही 5000 साल पहले अगर भागवत गीता लिखी गई और उसमें जो बातें कही गई वो बिल्कुल आज भी सच हैं और उसके हमें सबूत भी मिल रहे हैं। इसके लिए भी हम स्टीफन हॉकिंस के सदा आभारी रहेंगे। जी मैम, जिस तरह से सर ने बहुत बड़ी बात जो है यहाँ हमारे सबके सामने रखी है,
तो मैम, जब हम स्टीफन साहब की बात करते हैं तो उनका ब्लैक होल का कंसेप्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, बहुत पॉपुलर है, और अभी भी हम कहते हैं कि शायद काम इस पर और चल रहा है। तो ये ब्लैक होल का कंसेप्ट है क्या और इन्होंने इसको क्या नई परिभाषा दी? ब्लैक होल या श्याम विवर एक ऐसी जगह है आपके ब्रह्मांड की, एक नहीं बहुत से होंगे, बिल्कुल, जहाँ से जिसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी अधिक है कि वहाँ से रोशनी तक बाहर नहीं जाती। जैसे आपका सूर्य है, सूर्य से, सूर्य की भी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, आपके सोलर सिस्टम का 90% से ज़्यादा मास सन के पास है, बाकी बचा हुआ बाकी 9 ग्रहों के पास है। तो सूर्य की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, ये हम समझ सकते हैं, जितना किसी तारे का द्रव्यमान होगा उतनी ही उसकी ग्रेविटी ज़्यादा, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगी। अब सूर्य हमारे एक बहुत छोटा सा तारा है, इससे बहुत बड़े तारे हमारे ब्रह्मांड में हैं। अब होता ये है, उससे पहले मैं आपको तारे बनते कैसे हैं वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश जी, करती जी, हूँ। जी। हमने बात की थी प्रोटॉन की, जिस वक्त बिग बैंग हुआ तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इतने ज़्यादा थे कि जो पहला द्रव्य बना वो क्वार्क ग्लुओन प्लाज्मा था, QGP कहते हैं उसे। वो QGP क्वार्क ग्लुओन प्लाज्मा जब ठंडा हुआ तो पार्टिकल्स बने, और पहले पार्टिकल जो बने उसमें प्रोटॉन था, वो जो बना वो अब तक डिके नहीं किया है। अब जब एक प्रोटॉन बना तो ये चारों फोर्सेस आ गई, आपकी बेसिक फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक, चार बेसिक फोर्सेस हैं जो कि आपके पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ले लीजिए या बड़ी निहारिकाओं को, आकाश गंगाओं को आप ले लीजिए। अब जब एक प्रोटॉन था उसको दूसरा प्रोटॉन मिला, ग्रेविटेशनल पुल ने कहा आओ चलो साथ साथ चलते हैं, तीसरा प्रोटॉन मिला, चौथा प्रोटॉन मिला, और मिलते 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 एक बादल बना, गैस का बादल, ठीक। और वो बादल जो था वो अपने ही ग्रेविटेशनल पुल में अंदर की ओर सिकुड़ने लगा, ठीक। सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ते, अब ग्रेविटी ऐसी फोर्स है जो सिर्फ अट्रैक्ट करती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक रिपेल, अनलाइक चार्जेस होंगे उसमें रिपल्शन भी होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऐसी फोर्सेस है जो सिर्फ अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। अब जब ये बादल सिकुड़ रहा था तो अंदर क्या है, अंदर चार प्रोटॉन, वो मतलब जगह नहीं बची है ना, तो चार प्रोटॉन्स मिलकर उन्होंने कहा अच्छा चलो मिलके हीलियम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक, इसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, चार प्रोटॉन्स मिलकर एक एक नया पार्टिकल बना रहे हैं। वो ये पार्टिकल, ये जो एलिमेंट है ये आपके पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट नंबर 2 है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। तो चार प्रोटॉन ने मिलकर एक हीलियम बना लिया, वो थोड़ी सी जगह बन गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस फ्यूजन रिएक्शन में एक धमाका हुआ, और वो धमाका पहली न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक। तो अब तारे में दो फोर्सेस आ गई, एक इस धमाके की फोर्स जो कि बाहर की तरफ धक्का दे रही है, और दूसरी ग्रेविटी की फोर्स जो कि अंदर की तरफ। जिस जगह पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, आपके तारे का जन्म होता है। आपका सूर्य एक तारा है जो कि अंदर की ओर भी सिकुड़ रहा है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन के जो धमाके बाहर की तरफ हैं वो हम तक धूप, रोशनी, गर्मी सब दे रहे हैं। So, यहाँ तक बात ठीक है जी। अब ये तो ही बात एक नॉर्मल तारे की। अब अगर ये अगर मास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सूर्य से रोशनी और गर्मी निकल सकती है। अगर ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा हो कि न रोशनी बाहर आए न गर्मी बाहर आए, जो है सब अंदर खा लिया जाए, ऐसे एक बहुत बड़े तारे को जो कि दिखाई नहीं देता उसको हम ब्लैक होल या श्याम विवर कहते हैं। विक्रम जी, थोड़ा सा आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे अपने यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है? मैम, जहाँ तक हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट का कंसर्न है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, पहले तो आपको ये जान के खुशी होगी कि एक रिप्यूटेड डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनली नोन है, और फिजिक्स डिपार्टमेंट लगभग 140 कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और इस कोलैबोरेशन को रिकॉग्नाइज किया UGC ने भी,
जी हाल में ही नैक की टीम आई थी, उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। और सबसे ज़्यादा आजकल फोकस रहता है आपका कोलेब्रेशंस का, कि आप किन लोगों के साथ कोलेब्रेशन करते हैं। जी हमारे वहाँ साइंटिस्ट्स हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, हमारी हाई एनर्जी फिजिक्स जी डिपार्टमेंट जी है, जी और इस डिपार्टमेंट ने मुझे लगता है कि नॉट ओनली जम्मू यूनिवर्सिटी का बट JNK का इन्होंने नाम रोशन किया। यानी कि और डिपार्टमेंट जो है काफी काम जो है यहाँ पर कर रहा है संबंधित। एग्जैक्टली ठीक है, तो दर्शकों जिस तरह से आज हमने बात की है स्टीफन हॉकिंग जी की जिंदगी पर, उनके कार्य पर, हम बहुत से विषयों पर बातचीत अभी और करना चाहते थे, जैसे हॉकिंग रेडिएशन है, जैसे ब्लैक होल का कंसेप्ट मैडम बता रहे थे, उसको और अच्छे से जानना चाहते थे, किंतु समय की कमी है। और इसी कमी के चलते हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने आज आपके समक्ष रखा है आप सबको पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका मैडम और सर आपका दोनों का कार्यक्रम में थैंक यू भाग थैंक लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू धन्यवाद।